गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की हमारी होमवर्कशीट 86 है और आज हमारी डेट है 22 और आज डे है हमारा ट्यूसडे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ओ की मात्रा वाले शब्द लिखो। जैसे ओ की मात्रा वाले कैसे हो गया, घोड़ा, मोर, ऐसे ही करके आपको 10 से 20 शब्द लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर्स चिपका के दिए, इनके नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट है हमारा कोट, ऐसे ही करके आपको सारे सभी के नाम लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन है इन सभी को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पांच पांच बार लिखो। मतलब ये जो शब्द मैंने आपको दे रखे हैं इनको अपनी नोटबुक में पांच पांच बार लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। ये शब्द हैं यहाँ पे शब्द लिख रखे हैं, इनमें ना ओ की मात्रा नहीं लगी हुई है तो आपको उसमें ओ की मात्रा लगानी है। जैसे खटा है तो इसका क्या होगा, तो हम इसमें ऐसे लिखेंगे ख, ऊपर ओ की मात्रा खोटा। सेकेंड है टली, तो इस पर क्या होगा टोली। ऐसे करके आपको सही सारे शब्द लिखने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। आपको यहाँ ऊपर कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको आप हमारा जो चैप्टर है ओ की मात्रा वाला उसमें एक आपको कहानी दे रखी है, उसमें ही ये क्वेश्चन दे रखा है और आपको पिछली वीडियोस में भी दिया होगा, तो वैसे ही करके इसको भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। आपको ये क्वेश्चन है, इनके शब्द आपको एक उत्तर में देने हैं। जैसे धोबी का नाम बताइए, धोबी का नाम क्या था, सोहन। ऐसी करके आपको सारे क्वेश्चन के आंसर ओनली वन वर्ड में देने हैं। थैंक यू।